दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए बम्पर भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जनवरी 2020 में 15 बड़ी भर्तियां होने जा रही है, जिनकी जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सभी भर्तियों की जानकारी हम आपको डिटेल्स में देंगे। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3,50,000 से ज़्यादा खाली पद है जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ होने जा रही है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं जनवरी 2020 में होने वाली 15 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, नए साल में बम्पर भर्तियों की अपडेट होने जा रही है। एक साल में 1,00,000 नौकरियां देगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, मंत्री ने यहाँ पर एक घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह एक साल के अंतर्गत 1,00,000 सरकारी नौकरियां देने जा रही है। अलग अलग पोस्ट के लिए भर्तियां की जाएंगी। आप यहां से स्टेप बाय स्टेप हिंदी में ये पूरी जानकारी रीड कर सकते हो। अलग अलग यहां पर पोस्ट के अंतर्गत ये यहां पर वैकेंसीज निकली है। जल्दी आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सेकंड नंबर जॉब की बात की जाए तो वो आंगनवाड़ी के अंतर्गत है। आंगनवाड़ी में अलग अलग स्टेट के लिए यहाँ पर बम्पर भर्तियाँ होने जा रही है। आप स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी रीड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट में देख सकते हो, फर्स्ट में यहाँ पर राजस्थान के लिए आंगनवाड़ी में 10,000 पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सहायिका, आशा, सहयोगिनी, सुपरवाइजर आदि पदों के लिए महिलाओं से जल्द यहाँ पर आवेदन पत्र मंगाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर खाली पद है जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जाएंगे। इसी तरह बिहार आंगनवाड़ी के लिए भी यहाँ पर बम्पर भर्तियाँ होने जा रही है। 41,406 आंगनवाड़ी के पदों पर जल्दी बहाली होने जा रही है। केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर खाली पदों को भरने के लिए 30,000 आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। साथ ही 7,645 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की भी मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी जानकारी आप यहाँ से हिंदी में रीड कर सकते हो। HP आंगनवाड़ी के लिए भी यहाँ पर 418 पद आंगनवाड़ी वर्करों के भरे जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर UP आंगनवाड़ी के अंतर्गत 31,000 पदों पर भी भर्तियाँ की जाएंगी। इनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 9,513 पद है, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 5,033, आंगनवाड़ी सहायिका के 16,432 है। तो टोटल 30,978 यहाँ पर ये पद है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर 2,700 पदों के लिए और भी यूपी में आंगनवाड़ी की यहाँ पर भर्ती होने जा रही है। सुपरवाइजर के यहाँ पर 2,700 पद है जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र जल्दी मंगाए जाएंगे। इनके लिए 8वीं, 10वीं, 12वीं और डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पोर्टल से आप जल्दी इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। और साथ साथ दोस्तों, जो सेकंड नंबर जॉब थी वो आंगनवाड़ी के लिए थी। 80,000 से ज़्यादा वैकेंसी जाए अलग अलग स्टेट के लिए। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर ये थर्ड नंबर जॉब की जानकारी चेक कर सकते हो, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत होने जा रही है। Phase 8 2020 सिलेक्शन पोस्ट है, आप चेक कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन SSC है। मल्टी टास्किंग स्टाफ, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, स्टाफ कार ड्राइवर, इंस्पेक्टर, प्राइमरी टीचर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, क्लीनर, सिक्योरिटी गार्ड, स्टोर कीपर और भी बहुत सारे पद हैं जिनके लिए 1500 से ज़्यादा खाली पद है। इन भर्तियों के लिए 10वीं, 12वीं डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। ऑफिशियल वेबसाइट है SSC.NIC.IN, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। नोटिफिकेशन भी आप इसी पोर्टल से इसका डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एक्टिवेट होगा। अप्लाई करने का लिंक 17 जनवरी 2020 को इस पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट 14 फरवरी 2020, एग्जाम होगा 10 से 12 जून 2020 तक। जी हाँ दोस्तों, SSC.NIC.IN पोर्टल पर अप्लाई करने का लिंक 17 जनवरी 2020 को ही एक्टिवेट किया जाएगा, आप तभी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो है RPF के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत यहाँ पर बम्पर भर्ती है। 9,000 खाली पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसमें 4,500 पद महिलाओं के नाम कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 50% पद महिलाओं की भर्तियां होंगी। 4,500 इनमें महिलाएं हैं। टोटल 9,000 खाली पद है जिनके लिए यहाँ पर आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। पीयूष गोयल जी ने यहाँ पर घोषणा की है। और साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो डिटेल्स में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल के 9,000 पद है। सैलरी 5,500 से 20,200 है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। ₹500 आवेदन शुल्क और 250 रिजर्व कैटेगरी के लिए है। ऑनलाइन आप शुल्क जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट,
टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, वाइवा वोस टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। indianrailways.gov.in इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है। ऑनलाइन आवेदन जनवरी 2020 से शुरू होंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी हिंदी में रीड कर सकते हो। और साथ साथ दोस्तों, जो 5 नंबर की जॉब है वो यूपी होमगार्ड के लिए निकली है। जी हाँ दोस्तों, यूपी 19,000 होमगार्ड की भर्ती की लेटेस्ट अपडेट है। अब होमगार्ड बनने के लिए 12वीं पास होना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हो। इंटर पास हो गए तो आप तभी होमगार्ड की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, इसमें आप ये भी जानकारी चेक कर सकते हो। 118,348 है जो होमगार्ड के स्वीकृत पद है, इनमें से 99,000 ड्यूटी कर रहे हैं। शेष 19,000 खाली पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति मांगी जाएगी और नए नियमों के तहत इसमें भर्तियां की जाएंगी। जनवरी से इसके लिए भी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की पूरी संभावना है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जी हाँ दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर 10वीं लिखा हुआ है। 12वीं पास इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले इस भर्ती के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते थे, जिसको बढ़ाकर अब यहाँ पर 12वीं कर दिया गया है। और साथ साथ वेतन 5,200 से 20,200 है। आवेदन करने के लिए पूरी डिटेल यहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 6 नंबर की जॉब है वो है यूपी पुलिस में। जी हाँ दोस्तों, 51,950 सिपाहियों की भर्ती जल्दी की जाएगी। डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि प्रदेश पुलिस में लगातार भर्तियां की जाएंगी। पहले चरण में 51,950 सिपाहियों की भर्ती होनी है। अगले साल जनवरी से भर्ती प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, डिटेल में पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। जनवरी 2020 से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों, जो 7 नंबर की जॉब है वो है रेलवे के अंतर्गत टीटी के लिए। 2500 टीटी की यहाँ पर नई टीटी की भर्ती की जाएगी। देश के सभी जोनल और भर्ती बोर्डों को निर्देश दे दिए गए हैं। भारतीय रेलवे में होगी 2500 नए टीटी की भर्ती। पूरी जानकारी आप यहां से रीड कर सकते हो। भारतीय रेल ट्रेनों में टिकट चेकिंग की नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। इसमें टिकट जांचने का काम टीटी के बजाय दूसरे कार्यों से जुड़ी महिला कर्मचारियों और रिजर्वेशन क्लर्कों को सौंपा जाएगा। ऐसा ट्रेनों में टीटी की कमी के मद्देनजर किया गया है। इसी के साथ 2500 नए टीटी की भर्ती भी होगी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की इस भर्ती के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो 8 नंबर की जॉब है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, इनमें इनकम टैक्स ऑफिसर, एओ कैडरे, पीएस कैडरे, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, टीए या स्टेनो ग्रेड सेकंड या ड्राइवर, नोटिस सर्वर या एलडीसी, लॉ डिवीजन क्लर्क या ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी और भी बहुत सारे पद हैं। सभी के लिए 19,000 से ज़्यादा खाली पदों के लिए आवेदन पत्र मंगाए जाएंगे। 10वीं 12वीं डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। 5,200 से 20,200 सैलरी और 9,300 से 34,800 सैलरी है। सिलेक्शन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। पैटर्न भी दिया गया है जो आप यहां से पूरा रीड कर सकते हो। एग्जाम के लिए यहां पर पूरी जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये 8 नंबर की भर्ती है। 9th नंबर की भर्ती यूपी SSSC के अंतर्गत है। हर साल 15,000 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप पूरी जानकारी रीड कर सकते हो। इसके मुताबिक साल में कम से कम 15,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की तैयारी की जा रही है। पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। अलग अलग यहाँ पर पोस्ट के लिए भर्तियों के विज्ञापन बैक टू बैक यहाँ पर जारी किए जाएंगे। युवाओं के लिए नौकरियालय का नया साल 15,000 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती की जाएगी। दिन आयोग के अंतर्गत भी 6,712 भर्तियाँ होंगी। अलग अलग पोस्ट के लिए आप यहाँ से पूरी जानकारी रीड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 10th नंबर की जॉब है वो भी आप यहाँ से रीड कर सकते हो, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट में निकली है। जी हाँ दोस्तों, यूपी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 3,748 भर्तियाँ जल्दी होने जा रही है। अस्पतालों में फार्मासिस्ट और ANM की कमी को पूरा करने के लिए जल्दी इन पदों पर भर्ती, बड़ी पैमाने पर भर्ती शुरू करने जा रही है। इससे फार्मासिस्ट के 448 और ANM के 3300 पद है जो यहाँ पर जल्दी भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग 1 माह के अंतर्गत uphealth.up.nic.in पर पदों के लिए आवेदन मांगेगा। फार्मासिस्ट पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का फार्मेसी में डिप्लोमा धारक होना आवश्यक है। 1200 पद यहाँ पर रिक्त है। ANM के इनके लिए भी इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होने की अर्हता रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी आप यहाँ से स्वास्थ्य विभाग की इस भर्ती के लिए भी रीड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 11 नंबर की भर्ती है वो है बिहार पंचायती राज में। सूबे में नए साल में होगी 10,000 नियुक्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, नए साल में पंचायती राज विभाग में 10,000 से अधिक नियुक्तियाँ होंगी। इसकी कवायद कई महीनों से चल रही है। उम्मीद है कि नए साल यानी 2020 में इस सभी नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। डिटेल में आप यहां से पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। जैसे कि 4,192 लेखापाल और तकनीकी सहायकों की नियुक्ति होनी है। 800 अंकेक्षकों की नियुक्ति पंचायतों में होनी है। जी हां दोस्तों, डिटेल में जानकारी चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 12th नंबर की भर्ती है, प्रदेश में जल्दी 24,000 शिक्षकों की भर्ती भी होगी। 24,000 टीचर्स की भी यहाँ पर आपसे आवेदन पत्र मंगाए जाएंगे, जो आप यहाँ से पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 13 नंबर की भर्ती है वो है DFCCIL में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड DFC के लिए 2600 चालक करेगा भर्ती। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर तेज रफ्तार मालगाड़ियों को चलाने के लिए 2600 ड्राइवर को भर्ती करने का फैसला किया है। बेरोजगार युवाओं को नए साल में डीएफसी में नौकरी करने का मौका मिलेगा। डीएफसी में भर्ती होने वाले ड्राइवर को कैप्टन और को कैप्टन के नाम से जाना जाएगा। रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अक्टूबर के अंत तक पूर्वी डीएफसी पर खुर्जा से बदान के बीच कॉमर्शियल मालगाड़ियों को परिचालन शुरू हो जाएगा। डीएफसी ने फिलहाल रेलवे से ड्राइवर लेकर मालगाड़ियों को चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही प्रथम चरण में 2600 कैप्टन और को कैप्टन के भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय भी लिया है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी पूरी रीड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 14 नंबर की भर्ती है वो NHM नर्स के लिए है। जी हाँ दोस्तों, विधि विभाग को भेजी नर्सों के पद भरने के लिए नियमों में संशोधन की फाइल। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश सरकार ने लिया है नर्सों के 714 पद भरने का फैसला। HP के अंतर्गत ये भर्ती है। हिमाचल प्रदेश में 714 नर्सों के पद भरने जा रहे हैं। इसमें 45% बेंच वाइज और इतने ही पद लोक सेवा आयोग और 10% पदोन्नति कोटे से भरे जाने हैं। डिटेल पूरी यहां से आप रीड कर सकते हो। NHM में स्टाफ नर्स की भर्ती होने जा रही है। उसके बाद दोस्तों, जो 15 और लास्ट नंबर की भर्ती है वो भर्ती भी ग्रेड ए नर्स और साथ साथ ANM के लिए है। 21,500 ANM और 9,000 ग्रेड ए नर्स की यहाँ पर जल्दी बहाली की जाएगी। यहाँ पर आप डिटेल पूरी हिंदी में रीड कर सकते हो। साथ साथ राजस्व व भू सुधार विभाग में भी 31,000 भर्तियाँ होंगी, जो यहाँ से आप पूरी जानकारी रीड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी जनवरी 2020 में होने वाली 15 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको सभी भर्तियों के अलग अलग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती की जानकारी वहाँ से पूरी रीड कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।